नेट्रम्यूट जैसी पर्सनालिटी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लगती है फिर भी धूप में नहीं बैठ सकते हैं. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नेट्रम काप. सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति, वेलकम टू रिवाइव होम्योपैथी. आज की वीडियो में हम नेट्रम ग्रुप की एक और इंटरेस्टिंग रेमेडी डिस्कस करेंगे, डैट इज नेट्रम काप प्लस सिमिलर रेमेडीज के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे. सो लेट स्टार्टेड. नेट्रम काप, ऑल्सो नोन एज कार्बोनेट ऑफ सोडा, इट वॉज प्रूव्ड बाय डॉक्टर हैनीमैन. इट इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट एंटीसोरिक. नेट्रम काप के पेशेंट्स चिली होते हैं, थर्स्टी होते हैं, इनकी मैक्सिमम कंप्लेंट राइट साइड पर आती है. अब इन पेशेंट्स को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन फिर भी ये धूप में नहीं बैठ सकते. धूप में अगर ये बैठते हैं तो इनको हेडेक हो जाता है, सनस्ट्रोक हो जाता है. तो दिस इज़ वेरी करेक्टरिस्टिक ऑफ नेट्रम काप कि इतनी ठंड लगने के बावजूद ये धूप में नहीं बैठ सकते. तो इन लोगों के जो भी हेड के सिम्टम्स हैं वो सब कब एग्रावेट होते हैं? समर में. लेकिन इनकी जो बॉडीली कंप्लेन है वो एग्रावेट कब होती है? विंटर्स में, राइट? तो यहाँ हम इसको सिलिशिया के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे. बोथ सिलिशिया एंड नेट्रम काप आर चिली, थर्स्टी, राइट साइडेड. बट डिफरेंस क्या है? नेट्रम काप को सन एग्रावेशन है, वहीं सिलिशिया के अंदर सन एग्रावेशन नहीं होती. ये लोग धूप में बैठ सकते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, राइट? अब हम नेट्रम काप और नेट्रम म्यूर के अंदर डिफरेंस देखेंगे. नेट्रम काप और नेट्रम म्यूर दोनों ही बहुत सिमिलर मेडिसिन्स हैं, तो आप इसको क्लिनिक में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, राइट? फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि दोनों के अंदर सन एग्रावेशन होती है, बट नेट्रम काप इज चिली वाइल नेट्रम म्यूर इज हॉट. सेकेंड डिफरेंस क्या है कि जो नेट्रम म्यूर है, इस पेशेंट को जब कोई हर्ट करता है या इन लोगों का जब कोई दिल दुखाता है तो ये लोग उससे बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके लिए नफ़रत पैदा हो जाती है. प्लस ये लोग उस पर्सन को बद्दुआ देते हैं कि तुमने मेरा दिल दुखाया है, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही बुरा होगा. वहीं नेट्रम काप को अगर कोई दुख पहुंचाता है या उनका कोई दिल दुखाता है तो ये लोग भी उससे बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये उसके लिए अच्छा सोचते हैं और उसको दुआ देते हैं, राइट? थर्ड डिफरेंस क्या है? नेट्रम म्यूर के जो पर्सन्स हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन से सफ़र करते हैं, वहीं नेट्रम काप के पर्सन्स एंजाइटी से सफ़र करते हैं. एंड फोर्थ डिफरेंस इज, नेट्रम काप का जो पर्सन है बहुत ही मेहनती होता है, बहुत ही ईमानदार होता है, कंसेंशियस होते हैं ये लोग. वहीं नेट्रम म्यूर का जो पेशेंट है वो नॉन कंसेंशियस होता है, राइट? नेक्स्ट, नेट्रम काप के जो पेशेंट्स हैं ये बहुत ही टिमिड, माइल्ड होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है इनके अंदर. तो आपको ये पर्सन लाइकोपोडियम जैसा लगेगा, क्योंकि लाइकोपोडियम और नेट्रम काप के डाइजेस्टिव सिम्टम्स भी काफ़ी हद तक सिमिलर हैं. तो डिफरेंस क्या है? लाइको हॉट होता है, नेट्रम काप चिली है, राइट? अब नेट्रम काप के जो पर्सन्स हैं ये इतने टिमिड होते हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ये लोगों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, इंट्रोवर्टेड होते हैं. लेकिन जिन लोगों को ये बहुत अच्छे से जानते हैं उनके साथ ये बहुत खुश रहते हैं और बहुत टॉकेटिव होते हैं, उनसे ये बहुत बातें करते हैं, राइट? ऐसे लोग जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ही ईमानदार होते हैं, तो ये सारा काम करते हैं लेकिन कभी भी उस काम का श्रेय लेना पसंद नहीं करते. इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. जैसे कॉलेज में कोई फंक्शन हो रहा है तो उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज जो बैक स्टेज वाले पर्सन्स करते हैं वो नेट्रम काप होता है. बैक स्टेज वो सारे फंक्शन को ऑर्गेनाइज करेगा, लेकिन कभी भी स्टेज पे आकर अपने लिए वाहवाही नहीं लूटेगा कि देखो मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया. इतने सीधे इंसान होते हैं लोग, राइट? लाइमलाइट में आना इन्हें पसंद नहीं होता. क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है इनके अंदर, राइट? पीछे से सारा काम करेंगे लेकिन कभी भी लाइमलाइट में आना इनको पसंद नहीं है, राइट? नेक्स्ट, डिफ़िकल्ट एंड स्लो कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन मीन्स किसी भी चीज़ को समझने की शक्ति. हमारे ब्रेन जो है वो किसी भी चीज़ को जो समझने की शक्ति होती है ना, वो नेट्रम काप के अंदर बहुत ही कम होती है. तो ऐसे लोग चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाते हैं. अगर ये किसी से बात कर रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं तो वो आइडियाज़ को कंबाइन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में बोल क्या रहा है, मुझे इसका क्या जवाब देना है. तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो इनका इंटेलेक्ट है वो पुअर होता है, राइट?
नेक्स्ट डे पर्सन्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस होते हैं. कब होते हैं ये एंशियस? जब इनको लोगों से मिलना होता है, राइट, किसी गैदरिंग में जाना है, लोगों से मिलना है, तो उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, बहुत इनको चिंता हो जाती है ना, और उस एंजाइटी के अंदर इनको पैल्पिटेशंस भी होनी शुरू हो जाती है. तो देर इज़ अ रूब्रिक ड्रेड ऑफ मैन. सेकेंडली, इनको कब एंजाइटी होती है? थंडर स्टॉर्म से पहले, जब बिजली कड़कती है उसके पहले भी ये बहुत बेचैन हो जाते हैं. क्यों? ऐसा नहीं है कि ये डरपोक हैं और बिजली के कड़कने की वजह से जो है ये डर जाते हैं. नहीं, डरपोक नहीं होते ये, लेकिन बिजली कड़कने से पहले एटमॉस्फेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस आते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ये नेट्रम का बहुत सेंसिटिव है. तो सेंसिटिविटी के कारण जो है ये एंशियस हो जाते हैं, राइट. नेक्स्ट, ये पर्सन्स बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल होते हैं. अब ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि इतना माइल्ड, इतना टिमिड पर्सन भी जो है इरिटेबल होता है. बट यस, नेट्रम काब इज़ वेरी इरिटेबल. और ये ज़्यादातर अपना गुस्सा कहाँ निकालता है? फैमिली मेम्बर्स के ऊपर. क्यों? क्योंकि बाहर तो गुस्सा नहीं निकाल सकता, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है इनके अंदर, राइट. दूसरा, ये लोग कब ज़्यादा इरिटेट होते हैं? नॉइस से, क्योंकि ये नॉइस से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. सेंसिटिव टू नॉइस, है ना. दे स्टार्टल्स वेरी इजली. अगर कोई भी हल्का सा तेज कोई आवाज़ आई, तेज से दरवाज़ा बंद हो, तो लोग एकदम से चौंक जाते हैं. डर के कारण नहीं चौंकते, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इसलिए चौंक जाते हैं. अब यहाँ हम इसको काली काब के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे. बोथ काली काब एंड नेट्रम्यूर, दोनों ही चिली है, थर्स्टी है, राइट साइडेड है, और दोनों ही हल्की सी आवाज़ से चौंक जाते हैं. काली काब क्यों चौंकता है? क्योंकि काली काब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही फियरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है. काली काब डरपोक होता है, इसलिए हल्की सी आवाज़ से चौंक जाता है, डर जाता है. नेट्रम काब डरता नहीं है, वो आवाज़ से इसलिए चौंकता है क्योंकि वो सेंसिटिव होता है, नर्वस सेंसिटिविटी होती है उसके अंदर, राइट. नेक्स्ट, आप देखेंगे इन लोगों के बिहेवियर के अंदर ये बहुत ही ऑकवर्ड होते हैं. कोई भी छोटा सा काम अगर ये करेंगे तो इनके हाथ से चीज़ें छूट जाती हैं. अगर ये चल फिर रहे हैं तो चीज़ों से टकरा जाते हैं, है ना. चलते चलते ये लोग बहुत जल्दी गिर भी जाते हैं, है ना. नेक्स्ट, डलनेस ऑफ ब्रेन एग्रावेटेड बाय मेंटल एग्जर्शन. जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस करा कि इनका इंटेलेक्ट पुअर होता है, ये चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाते हैं, है ना, तो इनका ब्रेन बहुत डल होता है. और हल्का सा भी ये मेंटल एग्जर्शन करेंगे ना, तो और इनका ब्रेन जो है डल हो जाता है. जैसे ये पढ़ाई कर रहे हैं और थोड़ा सा भी इन्होंने एक्स्ट्रा एग्जर्शन डाला अपने ब्रेन के ऊपर, तो और ब्रेन डल होना शुरू हो जाता है और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो एक ब्रेन फैग वाली सिचुएशन आ जाती है इनके साथ, राइट. नेक्स्ट, इरिटेबिलिटी एग्रावेशन आफ्टर अ मील. दिस इज ऑल्सो वेरी करेक्टरिस्टिक ऑफ नेट्रम का. पेशेंट आकर आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब, जब भी मैं खाना खाता हूँ ना, तो खाना खाने के बाद मैं बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, है ना. क्यों? क्योंकि इन लोगों का जो डाइजेशन है बहुत ही ज़्यादा वीक होता है ना. कुछ भी अगर ये अपनी डाइट के अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो इनका पेट खराब हो जाता है. तो ऐसे लोग जब भी खाना खाते हैं, तो जब तक वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो जाता ना इनके पेट में, तब तक ये चिड़चिड़े रहते हैं. तो खाने को डाइजेस्ट होने के अंदर 2-3 घंटे लगेंगे, तो खाना खाने के 2-3 घंटे तक ये पेशेंट ऐसे ही चिड़चिड़े रहते हैं और उसके बाद नॉर्मल होंगे, है ना. तो आप इसको कन्फर्म ऐसे कर सकते हैं कि नेट्रम काब अगर आपको कोई पेशेंट लग रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका पेट कैसा रहता है. तो पेशेंट आकर आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब, पेट तो मेरा बहुत अपसेट रहता है, मेरे को बहुत खट्टी डकारें आती हैं, और खाना खाने के बाद तो मेरा पेट एकदम फूल जाता है, मुझे बहुत गैस बनती है, मैं बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूँ खाना खाने के बाद, राइट. नेक्स्ट, इन पेशेंट्स को मिल्क बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि दूध पीने के बाद इनको डायरिया हो जाता है, राइट. डिस्चार्जेस कैसे होते हैं नेट्रम काब के? थिक येलो ऑफेंसिव डिस्चार्जेस होते हैं इसके. अब जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ये लोग बहुत ही ऑकवर्ड होते हैं, है ना, चलते फिरते चीज़ों से टकरा जाते हैं, तो इन लोगों का जो एंकल है वो बहुत जल्दी जल्दी डिसलोकेट हो जाता है. एंकल के अंदर बहुत जल्दी जल्दी मोच आ जाती है इन लोगों के अंदर. एंकल वाला जो पार्ट है बहुत सेंसिटिव होता है. नेक्स्ट, प्रफ्यूज स्वेट एट लीस्ट लेबर. बहुत पसीना आता है इनको, थोड़ा सा भी ये एग्जर्शन करेंगे तो इनको पसीना आता है. फीवर के अंदर भी इनको बहुत पसीना आता है. फीवर के अंदर एक और करेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि जो नेट्रम काब का बच्चा होता है ना, वो फीवर के दौरान भी स्कूल जाता है ना. तो पेरेंट्स आकर आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब, इसको इतना तेज बुखार होता है फिर भी ये स्कूल जाता है, अपने सारे काम करता है, हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, है ना. बिल्कुल नॉन प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होता है ये, है ना. सारा अपना काम खुद करेगा. ऐसा नहीं कि बच्चे हल्के से बीमार होते हैं, मेरा सिर दबाओ मम्मा, मेरे पैर दबाओ मम्मा, किसी को परेशान नहीं करता, अपने सारे काम खुद करता है ना. जैसा कि हमने ऊपर भी देखा कैसा होता है नेट्रम का आपका पेशेंट, सारा काम कर रहा है, मेहनती होता है, फिर भी उस काम का श्रेय नहीं होता. तो इस तरह के अच्छे इंसान होते हैं नेट्रम का आप, राइट.
एग्रावेशन किन चीज़ों से होता है? इसको सन से एग्रावेशन होता है, म्यूज़िक से एग्रावेशन होता है। अगर ये कोई म्यूज़िक सुन लेंगे तो उससे सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट थंडरस्टॉर्म, बिजली कड़कने से पहले इनको बॉडी की जो भी दिखते हैं वो बढ़ जाती है, क्योंकि एंशियस हो जाते हैं उस दौरान ये, राइट। सो आई होप आपको नेट्रम का आपकी होल पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।